हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो कि क्या हायर एजुकेशन फ्री होना चाहिए अपने इंडिया में या नहीं। आज कैबिनेट मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे देश के विकास के लिए शांति, सद्भावना और भाईचारा देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इस देश के विकास के लिए रोज़गार भी बहुत महत्वपूर्ण है। 70 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी चरम सीमा पर है अभी, और यही सरकार ऐसे कॉलेजों को परमिशन देती है जो कि डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और जब नौकरी पाने का समय आता है तो वही डिग्री धारक इस काबिल नहीं होते हैं कि उनको रोज़गार का अवसर मिल सके और रोज़गार पा सके। बोला जाता है कि टेक्निकल रूप से असक्षम है, खासकर मैं टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बोल रहा हूँ जो BE/BTECH वाले कैंडिडेट हैं। तो मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि या तो आप डिग्रियाँ डिस्ट्रीब्यूट ना करें, डिग्रियाँ ना बांटें, और नहीं तो आप सबको रोज़गार उपलब्ध करा सकें। दोनों में से कोई एक चीज़ कीजिए। इस देश में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि हायर एजुकेशन लेने के बाद उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और बाद में जो है वो लोन को भर पाएंगे। बट वो लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसको भर नहीं पाते हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिलती है, बेरोज़गारी इतनी है, और बाद में बैंकों द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया जाता है उनका। बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठाते हैं और फ्रस्ट्रेशन की लाइफ जीते हैं। तो क्यों ना इस देश में हायर एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए। तो ये एक बात मैं रखना चाहता था अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को। उम्मीद है वो इसको ज़रूर सुनेंगे और इस पर ज़रूर चिंतन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।